हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम करते हैं क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसकी स्टेटमेंट है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में एक्स माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड हो। फर्स्ट पार्ट यह है और सेकंड पार्ट ये है, और दिया हुआ है कि एक्स माइनस वन इस पी एक्स का यानी कि इस बहुपद का एक गुणनखंड है। के की वैल्यू हमें निकालनी है। यहां हम लिखेंगे क्योंकि एक्स माइनस वन ये पी एक्स का एक गुणनखंड है, पी एक्स का एक गुणनखंड है। इसका अर्थ क्या है? अगर x माइनस वन इस पी एक्स का इस बहुपद का अगर गुणनखंड है तो गुणनखंड प्रमेय के द्वारा, इसलिए गुणनखंड प्रमेय द्वारा गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है? गुणनखंड प्रमेय कहती है यदि x माइनस वन इस बहुपद का गुणनखंड है तो गुणनखंड प्रमेय हमें बताती है पी वन जो होगा वो जीरो होगा। ये गुणनखंड प्रमेय द्वारा हमें पता लगता है। x माइनस वन इसका गुणनखंड है तो x माइनस वन को यदि हम जीरो रखें, x माइनस वन को जीरो रखें तो x की वैल्यू क्या आ गई? वन। तो ये जो वन है एक्स की जगह वन पुट करेंगे तो पी वन जो होगा वो शेष होगा, और शेष शून्य आना चाहिए क्योंकि गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब क्या है कि ये एक्स माइनस वन इसको पूरा पूरा भाग करता है, उसको कहते हैं गुणनखंड है। पूरा भाग करता है तो शेष कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तो इसलिए पी वन बराबर जीरो होगा। ठीक है, अब पी वन की वैल्यू यहां से निकालो, इसमें वन पुट करो, पी वन इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ वन का स्क्वेयर प्लस में यहाँ फिर वन और प्लस के, ये जो होगा इसकी वैल्यू शून्य होनी चाहिए। अतः वन प्लस वन प्लस के ये लिखा मैंने, क्योंकि वन का स्क्वेयर वन प्लस वन प्लस के ये क्या होगा? जीरो होगा। और के की वैल्यू क्या होगी? ये वन और वन टू, टू को उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस टू, ये होगी के की वैल्यू जो हमने इसमें से फाइंड आउट करनी थी। इसी प्रकार इस वाई यहां भी हम लिखेंगे क्योंकि एक्स माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है। इसलिए पी वन का मान शून्य होगा, यही लिखा है। जैसे इसमें लिखा है पी वन बराबर जीरो या पी वन का मान शून्य होगा, तो पी वन अगर हम निकालें इसमें से, यहां वन रखें, टू इंटू वन का स्क्वेयर प्लस के इंटू वन और प्लस अंडरूट टू, हमने यहां यहां वन रख दिया जहां एक्स था, और इसकी वैल्यू पी वन की वैल्यू ऊपर लिखे हमने, पी वन का मान शून्य हुआ, इसका मतलब ये मान शून्य हो जाएगा। तो वन का स्क्वेयर वन होता है, वन के टू की गुणा करोगे टू, प्लस के की वन की मल्टीप्लाई करेंगे के और प्लस अंडरूट टू, ये मान शून्य हो जाएगा। और हमें क्योंकि के की वैल्यू निकालनी है, इसको उस साइड में ले जाएंगे माइनस टू हो जाएगा, इसको उस साइड में ले जाएं ये भी माइनस अंडरूट टू हो जाएगा, तो ये के की वैल्यू आ जाएगी। इसको
आप थोड़ा आगे भी सरल कर सकते हो चाहो तो, अदरवाइज इसको इतना भी हम छोड़ सकते हैं। तो ये के की वैल्यू है, दोनों स्थितियों में एक जैसे ही पैटर्न से या एक ही फॉर्मूला में यूज करना पड़ा है। समझ गए हो गया आप चाहो तो के की वैल्यू इन दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन निकाल दिया, अब ये दोनों प्लस लिख सकते हो आप, और ब्रैकेट से बाहर हमने माइनस इनका कॉमन निकाल दिया। या थर्ड पार्ट में भी ऐसा ही दिया है कि पी एक्स की वैल्यू ये दी हुई है, हम लिखेंगे क्योंकि एक्स माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है इसलिए इसका शेष जो होगा वो शून्य हो जाएगा, इसलिए P1 का मतलब है x में से, यहां से x की वैल्यू निकाली हमने वन, तो वन यहां पुट करेंगे तो P1 आएगा, P1 का मान शून्य होगा। अब यहां P1 निकालेंगे हम, जहां x था x की जगह वन भरेंगे, k इंटू वन का स्क्वेयर माइनस अनरूट टू इंटू वन और प्लस वन, और इसका मान क्योंकि हमने जीरो रखना है तो वन का स्क्वेयर करोगे वन हो जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो के आ जाएगा माइनस रूट टू, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट टू ही रहेगा और प्लस वन, और इसकी वैल्यू जीरो होगी। अब क्योंकि हमने मान के का निकालना है तो ये माइनस एन रू टू इसको उधर ले जाए प्लस हो जाए, ये माइनस हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के बराबर है रूट टू, ये माइनस प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये वैल्यू। इसमें भी इसी प्रकार करेंगे क्योंकि एक्स माइनस वन बहुपद का या पी एक्स का एक गुणनखंड है, इसलिए पी वन का जो मान होगा, पी वन का मान शून्य होगा, और पी वन का मान हम यहां से निकालेंगे, पी वन इज इक्वल टू वहां वन भर दिया, आगे भी एक्स की वैल्यू हम वन भर दें, के इंटू वन का स्क्वेयर यहां माइनस थ्री इंटू वन और प्लस के, और इसकी वैल्यू क्योंकि हमने जीरो रखनी है, वन का स्क्वेयर वन, ये एज इट इज आ जाएगा, के माइनस में थ्री प्लस में के इज इक्वल टू जीरो रखेंगे इसको। अब के दो जगह है, दोनों को ऐड करेंगे तो टू के हो जाएगा, और इसको उधर ले जाएंगे ये प्लस हो जाएगा, तो के की वैल्यू हमने निकाल ली थ्री, और ये टू इधर लेंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो के की वैल्यू ये है, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2। तो ये चार पार्ट्स थे जो चारों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, और इसमें ऊपर लिखा है कि गुणनखंड याद कीजिए, फैक्टर करने हैं। ये दो पार्ट्स मैंने यहां लिखे हैं, फर्स्ट और सेकंड, दोनों एक ही टाइप के हैं, 12x2 माइनस 7x-1, इसके फैक्टर करने हैं, गुणनखंड हमने करने हैं। तो इस टाइप में क्या पहचान है कि यहां x की दो घात है, यहां x की एक घात है, और इसमें x की घात है यानी कि जीरो घात है। तो इस प्रकार के अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो उनका आपने गुणनखंड करना है, तो याद रखिए आपने क्या करना है, जो ये बीच वाली टर्म है जो एक्स का कोफिशियंट है या एक्स का गुणांक है, ये -7 है ये, और फर्स्ट की और लास्ट की इन दोनों की गुणा अगर हम करें यानी कि 12 और 1 की गुणा करें तो 12 आएगा,
अब आपने ऐसे दो अंक ऐसे ढूंढने हैं या दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिसकी गुणा गुणा तो फर्स्ट और थर्ड के बारे यानी कि 12 आ जाए और योग जो बीच वाला पद है -7 इसके बराबर आ जाए। अब ऐसे दो अंक या दो संख्या ढूंढो जिसकी गुणा तो 12 आ जाए और उन दोनों का जोड़ करें तो -7 आ जाए और वो दो संख्याएं कौन सी हैं? -4 और -3 है। अब -4 और -3 की अगर आप गुणा करेंगे तो +12 आ जाएगा क्योंकि 2 माइनस इकट्ठे होते ही प्लस हो जाता है और इनका जोड़ोगे तो -7 आ जाएगा। तो ये जो दो संख्या हमने ढूंढी है ये इस बीच वाले पद की जगह ये दो लिखनी है और इसको हटा देना है। ये तरीका है जैसे 12x की दो -4x और -3x और +1 ये दोनों लिख दिया इसको हटा दिया। ठीक है ये मेथड है। अब पहले तीन पद थे ये 1 2 3 अब 4 1 2 3 4 चार पदों में आपने पहले दो में से कॉमन निकालना और लास्ट वाले दो में से कॉमन निकालना है। यही इसका फैक्टर करने का एक तरीका है। जैसे 12x की दो और -4x में कॉमन क्या है? 4x कॉमन है। 4x से जब 12x की दो को भाग देंगे तो 3x आ जाएगा और 4x में से 4x को जब कॉमन निकाले यानी कि 4x को 4x से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा माइनस। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है यानी कि जिसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो वहां 1 कॉमन होता है तो यहाँ 1 लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं। इन दोनों में से अगर -1 कॉमन निकालूं मैं तो ये तो हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस क्योंकि हमने माइनस बाहर निकाल लिया तो ये तो प्लस हो गया 3x और ये माइनस हो गया। आप याद रखें इन दोनों ब्रैकेट में एक जैसी टर्म आएगी और उसी को हमने फिर दोबारा से कॉमन निकाल लेना। ये निकाला हमने कॉमन इसमें से भी इसमें से। इसमें बच गया 4x और इसमें बच गया -1। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये एक फैक्टर ये है दूसरा फैक्टर ये है दोनों फैक्टर हो गए यानी कि दोनों गुणनखंड हो गए जो हमने गुणनखंड करने थे। इसी प्रकार का ये सवाल है। ये आपका रफ कार्य है इसको आप अलग रख सकते हो इससे। अब इसमें क्या है? 2 और 3 हमें पता लग गया कि गुणा तो आनी चाहिए उनकी 2 और 3 की गुणा के बराबर यानी कि 6 और योग आना चाहिए उनका 7 ये बीच वाला पद। ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 7 गुणा 6 वो दो संख्याएं कौन सी हैं? वो दो संख्याएं ये हैं 6 और 1। इन दोनों की गुणा करेंगे तो 6 आएगा और जोड़ करेंगे तो 7 आएगा। इन दोनों को इस 7x की जगह लिख देना हमने 2x की 2 जमा के 6x और जमा का 1x और +3। अब इनमें से कॉमन निकालो इनमें से कॉमन निकालो इसमें हो गया 2x कॉमन। 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचा और प्लस में 3 और इसमें +1 कॉमन है तो इसमें भी x +3। अब x +3 दोनों में आ जाएगा और इसको हम दोबारा से कॉमन निकाल लेंगे इसमें 2x और इसमें +1 और ये इसके फैक्टर हैं दो या इसके गुणनखंड है। इस प्रकार से आप गुणनखंड कर सकते हैं। और क्योंकि हम हमारी स्टार्टिंग इससे है इसमें तीन पद होते हैं कई बार दो पद भी आ जाते हैं। दो पद वाला क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें भी हम गुणनखंड कर सकते हैं। इसमें भी तीन पद है तो ये तीन पद वाला आपने फॉर्मूला याद रखना है। ये है फॉर्मूला इसका। आप इसमें चाहो तो जिस तरह से ये आपको दिया हुआ है तो ये दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दिस ये बराबर निशान जरूर लगा लें। इसमें भी ये बराबर ये बराबर और ये बराबर ये सवाल हमारा कंप्लीट है। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट है 6x की 2 जमा 5x -6। इसमें भी हम वही फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे। इसकी और इसकी गुणा कितनी हो जाएगी? गुणा आ जाएगी -36
और योग होगा 5। अब दो संख्याएं ढूंढो, गुणा -36 योग 5। आप ढूंढेंगे तो पता लग जाएगा कि ये है 9 और -4। इनके मल्टीप्लाई करेंगे -36 आएगा, और इनको ऐड करेंगे तो 5 आएगा। इन दोनों को यहाँ रिप्लेस कर देंगे, बराबर 6x2 और जमा में यहाँ 9x और -4x -6। इसको हमने यहाँ से हटा दिया और इसकी जगह ये दोनों रिप्लेस कर दिए। अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इसमें देखो कॉमन क्या है जो दोनों को डिवाइड कर दे, 3x। इसमें से कॉमन निकाला, 2x बच जाएगा, और प्लस जब 3x से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, और इन दोनों में -2 है। अब ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा +3। अब क्योंकि दोनों माइनस थे, माइनस बाहर निकल गई है, इसलिए यह दोनों प्लस हो गए हैं, और 2 इनमें से कॉमन निकाल दिया। अब ये आप देखोगे तो दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम क्वांटिटी है, तो इसको हम कॉमन निकालेंगे 2x+3 को, और जो बचेगा उसको सेकंड ब्रैकेट में 3x-2। ये इसके फैक्टर हैं। इधर आइए, आप गुणा देखेंगे तो गुणा आनी चाहिए इसकी और इसकी गुणा के बराबर, -12, और योग इसका आना चाहिए -1। तो ये वो दो संख्याएं कौन सी हैं? वो दो संख्याएं हैं -4 और +3। इन दोनों को देखिए गुणा करें तो -12 आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करें तो -1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x2 माइनस के 4x और माइनस प्लस के 3x -4। अब इनमें से कॉमन और इनमें से कॉमन, इसमें कॉमन देखेंगे आप। यहां एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर मैं -4x को बाद में लिख लूं और 3x को पहले लिख लूं, लिख सकते हैं हम, उसमें कॉमन निकालने में आसानी होगी, क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ भी यदि ये 3x लिख दूं मैं, तो इनमें से 3x कॉमन निकल जाएगा, और -4x को बाद में लिख दूं और पीछे -4 है, इनमें से -4 कॉमन निकल जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, वो आसान रहे, और ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे अब इसमें और इसमें हम कॉमन चेक करें, क्या कॉमन है? सिर्फ इसमें x कॉमन है, तो इसमें बच गया 3x और इसमें -4। और इसमें कॉमन क्या है? इसमें +1 कॉमन है, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती, आप ऐसे ही लिख सकते हैं 3x-4। अब ये दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हम लिखेंगे 3x-4 और सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा x प्लस, यहाँ 1 होता है और ये 1। तो इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से इनके फैक्टर कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। आपका ये जो क्वेश्चन है, सेम ये क्वेश्चन 2018 में हरियाणा बोर्ड के एग्जाम में आया था, जो हरियाणा एजुकेशन बोर्ड पेपर लेता उसमें आया था ये क्वेश्चन, सेम एज इट इज। और अब मैं समझता हूं कि आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, और मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आप प्रैक्टिस जरूर करें। ओके, थैंक यू।